हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ICDS से जुड़े कर्मचारियों का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ICDS की ओर से जारी किए गए दो महत्वपूर्ण लेटर और लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार अब 1 से 30 सितंबर तक जो पोषण महीने का आयोजन इस बार भी सितंबर महीने में किया जाना है, उसमें सभी आंगनवाड़ी वर्कर भारत के किसी भी राज्य की आंगनवाड़ी सेविका को वो लॉगिन करके एक्टिविटी करनी होगी। तो किस दिन, किस सप्ताह, किस थीम पर कौन सी एक्टिविटी दर्ज करनी है, इसके रिलेटेड जो है लेटर में लिस्ट आ चुका है। चलिए डिटेल में हम आपको दिखाएंगे ताकि आप एंट्री करने में गड़बड़ी नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आप भारत के किसी भी राज्य, जिले, परियोजना की सेविका हो, सभी सेविकाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि पूरे भारत में 1 से 30 सितंबर तक जो पोषण अभियान डैशबोर्ड पर जो है वो डाटा एंट्री करनी है। तो किस दिन कौन से एक्टिविटी पर कौन एक्टिविटी आपको एंटर करनी है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मैं आपको सीधे लिस्ट दिखा रहा हूँ जो भारत सरकार की ओर से जारी किया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर 2024 का आयोजन संबंधी कैलेंडर और दिशा निर्देश क्या रहेगा, 2024 के लिए मुख्य थीम और गतिविधियां किस प्रकार रहेंगी, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, चाहे आप किसी भी राज्य, जिले की सेविका हो, क्योंकि सभी जगह ऐसे ही काम होगा। देखिए, मुख्य थीम जो रहेगा वो 6 प्रकार के थीम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर्यावरण संरक्षण, सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि एवं पारदर्शिता लाने, तकनीक का उपयोग, पोषण भी पढ़ाई भी, पूरक आहार, एनीमिया, वृद्धि निगरानी, इन थीम पर आपको एक्टिविटी करनी है। अब इस लिस्ट में यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है कि पहले सप्ताह में किस थीम पर जो है एक्टिविटी करनी है, ICDS के लिए कौन सा एक्टिविटी रहेगा, गर्भवती धात्री बच्चों के लिए एनीमिया कैंप का आयोजन, जागरूकता का आयोजन, इसके अलावा कई प्रकार की गतिविधियाँ, इसके अलावा 1 से 7 सितंबर तक भी जो है इस थीम पर भी एक्टिविटी रहेगी, और कौन सी एक्टिविटी आपको एंटर करनी है। ICDS का बिहार सरकार के लिए एक अलग लेटर जारी हुआ था बिहार आंगनवाड़ी के लिए कि एक दिन में आपको मैक्सिमम जो है वो 5 एक्टिविटी ही दर्ज करना है, इसके अलावा जो है आपको 2 MB से ज़्यादा का फ़ोटो अपलोड इसमें नहीं कर सकती हैं। इसके साथ एक और बड़ी बात थी कि 3 दिन लेट होने पर आप पिछले 3 दिनों का जो है वो एंट्री कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आप 5 सितंबर को एंट्री शुरू करेंगे और 1 तारीख का एंट्री हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पिछले 3 दिन का आप बैकअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूरा एक्टिविटी है कि पूरा 1 से 30 सितंबर तक कौन सा काम एक्टिविटी होगा जो हर एक दिन होगा, इसके अलावा दूसरे सप्ताह में, पहले सप्ताह में किस थीम पर एक्टिविटी होगा, कौन सा एक्टिविटी आपको एंटर करना है, वो सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है। देखिए, इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कमेंट कीजिएगा तो मैं दे दूँगा, या व्हाट्सअप नंबर पर जो है वो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि सही तरीके से एंट्री करना ज़रूरी है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से लेटर आया था, वो मैंने दिखा दिया। उम्मीद करूँगा सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेटर का PDF आप जरूर लीजिएगा ताकि आपका काम करने में आसानी हो। फाइनली, इस यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।